जी बाबा कैसे बनाए? बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमने देखती चढ़ा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये बड़े वाला कप जो होता है, यानी मतलब छोटे वाला जो है डेढ़ कप, तो ये एक कप बड़े वाला हम डालेंगे, छोटे वाला कप डेढ़ कप हो गया ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने तेल डाल दिया। जब ये तेल थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद हमने ये एक बारीक बारीक प्याज काट दिए। तो आज हम बना रहे हैं हलीम, अल्हम्दुलिल्लाह दलीम भी इसको कहते हैं, हलीम भी कहते हैं, आपको पता है ये। और बिल्कुल इजी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फ्रेश सफाई से बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये देखें, ये नेशनल का ऐसे आपको मिलेगा, तकरीबन ये 350 ग्राम इसका नेट वजन है। और ये आपको पैकेट डालना पड़ेगा, पूरा सारी तरकीब आपको हम दिखाएंगे। और ये तेल डालने के बाद, ऑयल डालने के बाद, उसके बाद हमने एक बारीक बारीक प्याज काटी है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसको पहले जो है थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करना है प्याज को। तो व्यूअर्स हमारे प्याज ब्राउन हो चुकी है, उसके बाद तकरीबन ये हमने 3 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट कर दिया है बारीक बारीक, तो ये हम डालेंगे उसके बाद। ये देखो, उसके बाद हमने पानी डालना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पानी डाल दिया। और जो हमने आपको ये पैकेट दिखाया था नेशनल का, उसमें से ये पैकेट अंदर से निकला है, तो ये अभी हम इसमें डालेंगे। तो ये पूरा पैकेट इसमें हमने डालना है अल्हम्दुलिल्लाह, देखें। और इसको जो है ना ऐसे हिलाते रहना है, मिलाते रहना है ऐसे, इसको ऐसे मिलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, फिर इसको मिलाते रहना है ऐसे। ये देखें, तो ये पैकेट हमने पूरा डाल दिया। तो आपने इसको हिलाते भी रहना है, मिलाते भी रहना है। तो एक ये मिलाने वाला होता है, जैसे हम लस्सी वगैरह बनाते हैं, तो इसको ऐसे मिलाते रहना है, ऐसे इसको ऐसे करते रहना है। पैकेट स्लो स्लो डालना है, इसको मिलाते रहना है, जैसे मतलब कोई जम ना जाए जैसे। ये देखे, ये देखे, ये बिल्कुल बना बनाया आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। ये जैसे हमारे जो इसमें एक घंटा घंटा ये जैसे ये हो गया है, तो इसको ऐसे आपने मिलाना है अच्छी तरीके से। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। ये दलीम इसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनाया है, पहले भी हमने बनाया है, तो आप देखते जाइए हमने क्या क्या किस किस तरीके से, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। ये आप मेरी बात याद रखना, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो ये देखते रहिए, ये हम चिकन का बना रहे हैं, और ये आप मटन का भी बना सकते हैं, बीफ का भी बना सकते हैं, हम चिकन का बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी और भी नाजरीन डाला है इसमें, तो आधा किलो हमने चिकन लिया है, पानी जो हमने डाला है तकरीबन 5 लीटर हमने इसमें पानी डाला है। जितना पानी ज्यादा होगा और पैकेट जितना, उसी हिसाब से आपने रखना है। अगर गाढ़ा करना है तो ये गाढ़ा भी हो सकता है। हमने ये बोतलें जो है तकरीबन टोटल मिला के ये बोतलें 2 डाली हैं, 2.5 लीटर की ये बोतलें हैं, 5 लीटर हमने इसमें पानी डाला है। तो ये जो पैकेट है उसके साथ ये मसाला भी मिलता है, आपको इसमें एक्स्ट्रा मसाला डालने की जरूरत नहीं है, जो आपको हमने पैकेट दिखाया था ये। तो इस पैकेट में दाल भी है, इस पैकेट में नेशनल का, ये हमारे पास मेहरान का भी था, इसमें दाल भी है मतलब, और मसाले भी हैं, सब चीज आपको, सिर्फ काली नमक डालना है। तो ये जो पैकेट है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा इसमें डालना है। अच्छा, ये आधा पैकेट हमने डालना है, पूरा पैकेट नहीं डालना है। ये देखें, बस आधा पैकेट डालना है, आधा हमने आगे किस चीज में डालना है तो वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हिलाना भी है, ये देखें, इसको ऐसे घुमाते रहना, यानी आंच हमने जो की है वो ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा स्लो है, नॉर्मल आंच करनी है हमें।
तो आगे भी हम दिखाएंगे अभी इसको थोड़ी देर हिला के, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी हम वीडियो को कट कर रहे हैं, फिर आगे क्या करना है, चिकन को हमने उबालना है या कैसे करना है, तो हम चिकन भी आपको गला के दिखाएंगे, इसमें वो भी डलेगा। व्यूअर्स, जो हमारी देखी थी जिसमें हमने ये मसाला और हलीम डाला और दालें डाली थी, वो हमने दूसरी मतलब चूल्हे पर कर दिए। इस चूल्हे पर हमने अभी कुकर चढ़ा दिया है, तो कुकर में हमने अभी चिकन डालना है। चिकन ये कुकर हमने चढ़ा दिया, आपको दिखाया था, तो इसमें तकरीबन हमने 3-4 चम्मच ऑयल डालना है। ये अलहमदुल्ला 3-4 चम्मच हमने इसमें ऑयल डालना है। फिर जो आधा किलो हमारा ये चिकन है, यानी ये बगैर बोनस है, बगैर हड्डी वाला ये चिकन है, देखें ऐसे ऐसे पीस करके आपने डालना है, ऐसे ऐसे पीस करके, ठीक है। तो ये बगैर हड्डी वाला हमने चिकन इसमें डालना है। तो उसके बाद ये जो मसाला था आधा हमने बचाया था, तो आधा मसाला इसमें हम डालेंगे। तो मसाला डालने के बाद हमें इसमें ये बड़े वाले कप 2 गिलास पानी के डालने, 2 कप बड़े, जो बड़े हैं 2 कप, ये 2 कप हमने इसमें पानी के डालना है। और इसमें हमने नमक नहीं डाला, अभी हम नमक इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, अभी इसमें 1 चाय का चम्मच हमने नमक भी डाल दिया। तो इस वाले जो दूसरी हमारी देखती चढ़ी हुई है उसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो थोड़ी देर के बाद नमक भी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसका ढकना बंद करके हमने इसको रख देना है। एक साइड से हमारा कुकर है जिसमें हमने चिकन डाला है, दूसरी तरफ से ये देगची है जिसमें हमने हलीम का मसाला और दालें वगैरह सारी डाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको क्या करते रहना है, इसको ऐसे गोल घुमाते रहना है, हाथ को भी चलाते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने आपको ये पैकेट दिखाया, तो ये सारी रेसिपी जो है एक पैकेट की रेसिपी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, इसको ये अभी गाढ़ा भी हो जाएगा, इसको ऐसे हमने घुमाते रहना है, तो इसको ऐसे घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और तकरीबन जो हमने ये कुकर रखा है जिसमें हमने चिकन डाला है, तो इसको हमने 20-25 मिनट के बाद, तो इसको चिकन भी हमारा गल जाएगा, तो वो भी इसमें हम हलीम में डाल देंगे अपने दलीम में। तो इसको ऐसे घुमाते रहना है ताकि नीचे इसकी जल ना जाए। रहमानुर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, चिकन हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी सारा सूख गया है। तो ये देखें, अभी ये रेशा रेशा बिल्कुल हो गया है। तो अभी जो ये ऐसे होती है ना, बना बनाया जैसे चीज होती है वैसा है। और दूसरा तरीका जो होता है, दालें पकाते हैं वो जैसे दुकानदार भी बनाते हैं, बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, उसमें मसाले ज्यादा डलते हैं और ज्यादा वो हार्ड हो जाता है, खाने में भी लजीज होता है, लेकिन ये घर के हमारा है उसमें इसमें अलग जायका होता है। तो हमारा जो अभी चिकन तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी हम उसको इसमें मिक्स करेंगे। देखें, तो इस चिकन को हमने इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वो भी आपको दिखाएंगे, इसको ऐसे हमें चलाते रहना है। ये देखें, हम सारा चिकन इसमें हम मिक्स कर रहे हैं, जो आपको दिखाया था, जो हमारा तैयार हो चुका था। तो हमने अभी स्लो आंच कर दी है, हमारा आंच हमने अभी स्लो कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, अभी इसको ऐसे घुमाना है हमें इसके, ये देखें, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से सारा जो चिकन है वो इसमें हलीम में हल हो जाए। ये देखें, बिल्कुल ये रेशा रेशा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी हमारा। और ये देखें, आपको इसमें चिकन भी नजर आ रहा होगा ये हलीम के साथ। तो अभी हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे, अबू जान को भी खिलाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला कि इसका जायका कैसे बना है, कैसे ये बना है, नमक में, मिर्ची में, और इसके ऊपर हम जो लेमन वगैरह और ये अदरक वगैरह डाल के इंशाल्लाह वो खाएंगे, तो ये और भी मजेदार हो जाएगा। इसको ऐसे हमने थोड़ी देर चलाना है, क्योंकि चिकन हमारा सारा जो जायका था चिकन का और इसका पैकेट का जायका जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हल हो चुका है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आगे भी आपको दिखा रहे हैं अबू जान को हम ये खिलाएंगे आज इंशाल्लाह ताला। जी बाबा, कैसे बनाए? बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये अबू ने
अभी हलीम टेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारे घर वाले भी टेस्ट करेंगे। मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको दुनिया भर की हर खुशी नसीब करे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।